अस्सलामुअलैकुम समर कौमी वेबिनार सीरीज का ये 28वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस 28वें दिन की इब्तिदा भी मैं अपने रब के हुजूर हम्द सना पेश करते हुए कर रहा हूँ। उसका आगाज उसका शुक्र उसकी हम्द उसकी सना कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम दुनिया के सामने कुछ पेश कर सकें, कुछ लोगों की नज़र में कुछ अच्छा कर सकें, अपनी नज़र में कुछ अच्छा कर सकें और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उसकी हम सना उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दरूद व सलाम का नजराना भी शुमार दरूद व सलाम कि उन्होंने हमें राह हिदायत से मुतालिक बताया। अपने रब की हम्द सना के बाद आइए मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। समर एकेडमी मालेगांव के तहत और महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद के ताउन से हम 30 दिनों का एक लेक्चर सीरीज 30 लेक्चर सीरीज का हमने आगाज किया था, समर कौमी वेबिनार सीरीज। इस वेबिनार सीरीज में हमने स्कॉलरशिप इम्तहान और मुकाबला जाति इम्तहान से मुतालिक रहनुमाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिनों में से आज का 28वां दिन है, 28 रोज हो गए हमें, 27 रोज से तक हमने स्कॉलरशिप स्कीम और मुकाबला जाति इम्तहान से मुतालिक बहुत सारे उनवान पर यहाँ बातचीत की, रहनुमाई की, सवाल जवाब हुए, हमारे मेहमानों ने इजहार ख्याल किया वगैरह, बहुत कुछ हुआ। आज हमारा 28वां दिन है। मैं अशफाक उमर आपका दोस्त आपके सामने आज एक नए मौजू के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं फिर से एक मरतबा कह दूँ कि यह प्रोग्राम समर एकेडमी मालेगांव के तहत हो रहा है। यहाँ पर आपके सामने समर एकेडमी मालेगांव की मालूमात मौजूद है कि हम मुकाबला जाति इम्तहान से मुतालिक रहनुमाई का काम अंजाम देते हैं। हमारे निशाने पर है वर्चुअल एकेडमी, एक बहुत ज़बरदस्त एकेडमी का क्याम जहाँ से दुनिया के हर खत्ते में मौजूद किसी भी तालिब इल्म को हम मुकाबला जाति इम्तहान से मुतालिक रहनुमाई कर सकें। हमने शहर मालेगांव में एक साल का मुकम्मल समर कोचिंग क्लासेस के नाम से सिविल सर्विसेज कोचिंग क्लास शुरू की थी जो फ्री थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन मौजूदात पर मेरी अपनी कई किताबें हैं जिसमें से एक किताब रहनुमा सिविल सर्विसेज का टाइटल और उसकी मालूमात आपके सामने मौजूद हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहान सिविल सर्विसेज से मुतालिक रहनुमाई की एक जखीम और जामे किताब है, ये उर्दू की पहली जखीम और जामे किताब है इस मौजू पर। उसके बाद मेरी एक किताब और है जो जिसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहनुमा किताब है। इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तहान से मुतालिक मैंने तफसील से जिक्र किया है, ये भी एक जखीम किताब है। इसके बाद मेरी एक किताब और है जिसका मैं जिक्र करता आया हूँ और वो किताब है स्कॉलरशिप स्कीमों से मुतालिक किताब। इसमें 77 स्कॉलरशिप्स का मैंने जिक्र किया है और दुनिया भर में कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है उससे मुतालिक इसमें मालूमात मौजूद है। आज का हमारा मौजू शख्सियत साजी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो इससे मुतालिक भी मेरी दो किताबें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तसर किताबें हैं, ये जखीम नहीं हैं और इसमें से एक किताब है रहनुमा। रहनुमा किताब में शख्सियत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उनवानात के तहत मालूमात दी गई है, यह सरपरस्तों के लिए है। और दूसरी एक किताब है तकरीबन उन्हीं मौजूदात पर, उसका नाम इर्तिका है, ये तलबा तालबात के लिए है जिसमें शख्सियत साजी के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर मैंने बच्चों से बातें करते हुए उनके लिए शख्सियत साजी की किताब तैयार की है। आज चूँकि हमारा अब हम आगे चलते हैं बातें करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुकाबला जाति इम्तिहान से मुतालिक बात करते हैं, तो इस वसीब वारिस दुनिया में
जो मुकाबला जाती इम्तहान की दुनिया है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दुनिया है, ये द वर्ल्ड ऑफ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसमें मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फहरिस्त मौजूद है, ये मेरी किताब रहनुमा की फहरिस्त है। इस फहरिस्त को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि सत्यत साजी के किन नुकात के तहत मैंने यहाँ पर बातें की है। ये इसमें जो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है जिसमें मैंने लिखा है कि अपने बच्चे को पहचानूं, यह सरपरस्तों के लिए ये है किताब, सरपरस्तों के लिए है रहनुमा। इसमें बच्चों अपने बच्चे को पहचानूं कर उन्वान के तहत मैंने मालूमात दी है कि अपने बच्चे को किस तरह पहचानना चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अखलाकियात, अपनी दुनिया, अपने आप को दुनिया में मौजूद पाओ, मुस्बत सोच, मकसद ज़िंदगी की तलाश, मुताला करना, गुफ्तगु की महारतें, आदाब ज़िंदगी, मनसूबा बंदी वगैरह टॉपिक पर हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आते हैं, चलिए अब अगले स्टेप पर, अगले पायदान पर। हमारे सामने स्क्रीन पर एक बात मौजूद है और उसको आपको समझना है कि वो क्या है। जब बातें सत्यत साजी पर होती हैं तो उस वक्त तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस बात को समझें कि सत्यत क्या है, सत्यत क्या है और इसकी अहम तरीन खसूसियत क्या होनी चाहिए। तो उसमें आप ये बात ध्यान से सुने कि सत्यत साजी में हमारी अपनी पूरे ज़िंदगी की बातें शामिल हैं। हम जितना भी पैदाइश के बाद से मरने तक जितनी भी बातें करते हैं, ये तमाम बातें हमारी सत्यत के ऐन मुताबिक होती हैं। तो हमारी शख्सियत वो है जो हमारे अंदर मौजूद है और उसी का मुजाहरा दुनिया में हर जगह होता है। तो उस से मुताल्लिक मैंने कहा था, मेरे दो जुमले हैं, आप उसको सुनिए, समझ कर सुनिए कि जब सैलाब नूह जैसा मंजर हो तो उस वक्त हमें कश्तियाँ बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के बका की जंग हर जंग से ज़्यादा अहम होती है। और जब हमें कोई जंग जीतनी हो, अपने आप को मनवाना हो या अपनी कुव्वतें किसी नुक्ते पर मरकूज करना हो, कॉन्सनट्रेट करना हो, तो हमें अपनी कश्तियाँ जलानी भी पड़ती हैं। और उस वक्त कश्तियाँ जलाने यानी अपनी तमाम तर कुव्वत और अपना तमाम तर असासा सर्फ कर देने के बाद कश्तियाँ जलाने की हिम्मत और जज्बा ही हमारे मकसद की तकमील की जमानत होता है। तो सत्यत साजी के पस मंज़र में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने आप को किस हद तक बनाएं, अपने आप को किस हद तक मजबूत करें। ज़ाहरी बात है, जब ज़िंदगी की जंग जीतना हो तो हमें हर चीज़ जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है जो हमारी ज़िंदगी को बचा सके, उसकी बका कर सके। और जब हम किसी मार्के में पड़ते हैं, कोई किसी जंग में पड़ते हैं या हमारे सामने कुछ चैलेंज होता है, तो अपने आप को मनवाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम तर कुव्वतें एक नुक्ते पर कॉन्सनट्रेट करके हमें भरपूर मेहनत करना पड़ता है और अपनी तमाम तर चीज़ें लगा देनी पड़ती हैं, अपनी कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम हैं कि ज़िंदगी की जंग में आपको तैयारी करना है और जब कोई मुश्किल आ जाए तो उससे बचाव का भी आपको बंदोबस्त करना है, और जब अपने मकसद हासिल करना है तो उसमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर झोंक देना है, जिसे हम कहते हैं कि हमें अपने आप को झोंक देना चाहिए। सत्यत साजी में एक अहम तरीन पॉइंट है अखलाकियात, एथिक्स। अब आप सोचेंगे कि मैं कोई मजहबी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अखलाकियात का ताल्लुक जो है लोगों ने हमेशा मज़हब से जोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अखलाकियात की बात कर रहा हूं और ये प्योरली मज़हब से मुताल्लिक नहीं है। मज़हब से में इन चीज़ों का जिक्र है, मगर ज़िंदगी के हर हर कदम पर हमें उसकी एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, और ये एथिक्स ही हमें बताते हैं कि हम क्या हैं और हमें कैसा, हम अंदर से क्या हैं, और यही दुनिया पहचानती है।
अब उसको देखिए आप, उसको समझिए आप। आप दवा खाने जाते होंगे, मुख्तलिफ दवा खाने में आपने अपना इलाज कराया होगा या दूसरों का इलाज कराया होगा या डॉक्टर्स को आप जानते होंगे, तो आप कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे ये खुद आप तय करते हैं। और जब आप तय करते हैं तो आपको अभी मेरी बातों से आपके जहन में यही आया होगा कि जो डॉक्टर हमसे अच्छे अंदाज में बात करता है, जो हमसे अच्छी तरह पेश आता है, हम उसी के पास जाना पसंद करते हैं। चाहे कोई डॉक्टर हो जो बहुत माहिर हो, मगर जो जिसके अखलाकियात अच्छे नहीं हो, जो बहुत बुरे अंदाज में आपसे सलूक करता है, जो सिर्फ आपको हकीर जानकर बात करता है, तो आप ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये एक पेशावर की बात हुई, ऐसा ही हर पेशावर का मामला है। आप एक अच्छे इंजीनियर के पास ही जाना पसंद करेंगे जो आपसे अच्छे ढंग से बात करता हो, जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि ये एक अच्छा आदमी है। आपको अपना कपड़ा सिलाना है तो भी आप ऐसे ही टेलर के पास जाएंगे जिसके अंदर एक अच्छी इंसानी सिफात मौजूद हो। आपको अपना घर बनाना होगा, एक मजदूर को लाना होगा, तो उस वक्त आप अपने जान पहचान के ऐसे ही मजदूर को तलाश करेंगे जो मामलात में अच्छा हो, जिसके अखलाकियात अच्छे हो। तो अखलाकियात जो है, इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के हर शोबे से होता है। और हर शोबे में आप किसी भी शोबे में जाएं, उसमें जो एक्सपर्ट हैं उसके अंदर महारत एक अलग चीज़ है और उसका अखलाकियात जो है ये एक अलग चीज़ है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने भी अपने मैदान में माहिर हो जाएं, मगर आपके अंदर अखलाकियात नहीं है तो आप जो है धीरे धीरे गैर मकबूल होकर अपनी अहमियत खो देंगे। तो वहाँ पर आपको अपने फील्ड की महारत के साथ आपके अंदर एथिक्स भी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर अखलाकियात भी अच्छे होने चाहिए। आपका दूसरों से बर्ताव, आपका दूसरों के साथ सलूक, आपका दूसरों के साथ मामला वगैरह में आपको बेहतरीन होना चाहिए, वरना आपकी महारत, आपकी पोस्ट और आपकी कोई भी चीज़ आपको कभी काम नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखिए। तो आपको अपनी शख्सियत जब बनाना है, उसकी तामीर करना है, तो आपको अपना अखलाकियात जो है ये बुलंद मेयार का बनाना होगा। और ये शख्सियत साजी किसी क्लास में नहीं बताई जाती, ये आपको अपनी ज़िंदगी में अमलन इख्तियार करना पड़ता है। तमाम तर नुकात को, तमाम तर बातों को हमेशा अपने अंदर पैदा करना होता है और उसकी बार बार मश्क करना पड़ती है। जैसे आपको अखलाकियात का जब सबक याद करना है, तो आपको अपने आप के अंदर बहुत सारी खूबियाँ पैदा करनी होगी, आपको सब्र पैदा करना होगा अपने अंदर, ताकि दूसरों के बुरे रवैये, दूसरों के बुरे बर्ताव जो है वो आपको गुस्से में ना ला सकें, बल्कि आप सब्र से हर बात को सुने और समझें और उसके ऊपर अमल करें। आपको जब सब्र के साथ आपको एक अच्छी जबान का भी इस्तेमाल करने वाला बनना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो इंतहाई कड़वा बोलते हैं, तंज करते हैं, और जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बात करना ही फजूल है। तो ये भी अखलाकियात में शामिल है। आपको ऐसा तर्ज बयान इख्तियार करना होगा, आपको ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपसे ताल्लुक़ रखना पसंद करें। तो ये बातें जो है, अखलाकियात जो है हर मामले में ज़रूरी है, हर शोबे में ज़रूरी है, हर पेशे में ज़रूरी है। तो आपको अपने अंदर अखलाकियात पैदा करना होगा, एथिक्स पैदा करना होगा। जब आप ये चीज़ पैदा करेंगे अपने अंदर, तो ही आप जो है ज़िंदगी की बाजी बहुत अच्छे ढंग से जीत पाएंगे। शख्सियत कब उसके ऊपर हमको अमल करना पड़ता है, उसके सुधार के लिए और शख्सियत की अच्छी बातें पैदा करने के लिए कब कोशिश करना पड़ती है हमको, तो ये बात ध्यान रखिए कि शख्सियत साजी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो वो माँ बाप का होता है। वो अपने बच्चे की परवरिश जब शुरू करते हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छे अखलाकियात की तालीम दें, उनको उसकी आदत डालें, लोगों से बातचीत करना, लोगों से बर्ताव करना, लेन देन करना, तमाम तर बातें बचपन से ही माँ बाप जो है
दोस्तों पर ध्यान देकर आला अखलाक की आदत जो है बच्चे में पैदा करें। दूसरा दौर होता है स्कूल का दौर। स्कूल के दौर में भी ये जिम्मेदारी होती है असातिज़ा की कि वो अपने तलबा में अच्छे अखलाक पैदा करें, अच्छी आदतें पैदा करें। जब असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो बच्चे की शख्सियत निखर कर सामने आती है और वो हर मामले में बेहतरीन बनता है। तीसरी जिम्मेदारी खुद हमारी होती है कि हमारे माँ बाप ने, हमारे असातिज़ा ने जो हमारे दरमियान अच्छी आदतें पैदा करने की कोशिश की है, हम उसको इख्तियार करें। तो ये तीन मरहले से जब हम गुजरते हैं तो हमारे अंदर एक बेहतरीन शख्सियत की परवरिश होती है जिसमें तमाम तर पॉजिटिव बातें होती हैं जो हमको ज़िंदगी भर काम आती है। तो अखलाकियात का अंतर बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर अखलाकियात एथिक्स होने चाहिए और आला मेयार का होना चाहिए ताकि कहीं भी हम नापसंदीदा ना हों, कहीं भी हमारा काम ना रुके और कोई भी हमको रुकावट ना डाले, कोई भी सिर्फ इसलिए हमारा नुकसान ना करे कि हम अपने बर्ताव से बुरे हैं, बल्कि कोई भी दुनिया में हमको इसलिए हमारा काम करे, हमको पसंद करे कि हमारा बर्ताव, हमारा अखलाकियात अच्छा है। तो ये नुक्ता इंतहाई अहम है और इसका मज़हब से ताल्लुक़ होते हुए भी दुनिया के हर शोबे से इसका ताल्लुक है और हमको अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करना चाहिए। आज एक बड़ी बुरी बात देखी जाती है कि माँ बाप की और स्टूडेंट की पूरी तवज्जो इस बात पर होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। तो जब वो सिर्फ रिजल्ट की बातें होती हैं, सिर्फ परसेंटेज की बात होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की शख्सियत की तामीर का अमल रुक जाता है या उसमें खला पैदा होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए ऐसे बच्चे का रिजल्ट तो शानदार हो सकता है मगर बहसियत मजमूई वो एक फेलर पर्सनैलिटी होती है, एक नाकाम शख्सियत होती है, क्योंकि उसके अंदर वो खूबियाँ नहीं होती जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि अपने आप को दुनिया में मौजूद हो। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो अपने आप को कोई अहमियत नहीं देते और हमेशा इस कशमकश में रहते हैं कि वो अच्छे हैं, वो ज़हीन हैं, वो काबिल हैं या नहीं हैं। उनको हमेशा अपने आप से और दुनिया से डर लगता रहता है। अब वो अपने आप को दुनिया में कहीं नहीं पाते। और आपने देखा होगा कि ऐसे ही स्टूडेंट्स और ऐसे ही लोग जो है वो ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो ना तो खुद को पहचान पाते हैं ना दुनिया को पहचान पाते हैं। तो हमेशा अपने आप को दुनिया में मौजूद पाना चाहिए। आप हैं और यकीनन आप हैं। जब आप हैं तो आपको समझेगा कि ये दुनिया भी है। और जब अपने आप को और अपने दुनिया को पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया आपके लिए है और आप दुनिया के लिए है। और जब आप अपने आप को दुनिया में पाओगे, मौजूद पाओगे, तो आपके अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा होगा जो इस दुनिया को फतेह करने का जज्बा आपने पैदा करेगा, जो इस दुनिया को अपनाने का जज्बा आपके अंदर पैदा करेगा और जो आपकी शख्सियत में बेहतरीन बातें शामिल कर देगा। तो अपने आप को दुनिया में मौजूद पाइए, यही आपकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर अपने आप को दुनिया में मौजूद पाने में एक बात फरामोश कीजिए जो हम आज तक हमेशा देखते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने दो किताब ज़्यादा पढ़ ली है और दुनिया में उनसे ज़्यादा बाइल्म, उनसे ज़्यादा बाहुनर आदमी कोई नहीं है और वो हमेशा दुनिया में मौजूद लोगों को, अपने आसपास के लोगों को हकीर समझते हैं, बुरा समझते हैं। तो ऐसा मत बनिए कि आपका गुरूर जो है, आपका घमंड जो है वो बहुत आगे तक पहुँचे, बल्कि अपने आप को इस दुनिया में मौजूद पाकर इस दुनिया के इंसानों की तरह समझिए जिनसे आपको कुछ लेना है और जिनको आपको कुछ देना है। तो अपना गुरूर, अपना घमंड ये पॉजिटिव रखिए, इसको निगेटिव मत होने दीजिए और दुनिया में अपने आप को मनवाने में ये बात आपको हमेशा काम आएगी इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ये है मुस्बत सोच।
पॉजिटिव थिंकिंग ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जब कहीं किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं या कहीं कोई काम से जाते हैं या कहीं किसी मकसद से जाते हैं, तो ऐसा होता है कि रास्ते में आपके अंदर बहुत सारी सोच पैदा होती है उस मामले से मुतालिक जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। जैसे वो आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिला तो वो मेरी बात सुनेगा, वो मेरा काम करेगा नहीं करेगा, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में पैदा होती रहती हैं जो हमारा हौसला भी बढ़ाती हैं, मगर ये सोच जो होती है ये ज़्यादातर निगेटिव होती है और हमको नुकसान पहुँचाती है। हम पूरा रास्ता मखमसे में रहते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, और उसमें जो ज़्यादातर निगेटिव बातें हैं वो हमको नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो निगेटिव बातों के ऊपर अपने आप को सही समझते हैं, और जब हम उस जगह पर जाकर उस पर्द से या उस अदारे से या वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपके अंदर निगेटिवनेस पैदा हो जाती है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो हमेशा अपने आप को मुस्बत सोच वाला रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग वाला रखिए, क्योंकि यही आपको काम आएगी। अब जो मैंने मिसाल दिया था उसके ऊपर मैं फिर आता हूँ। आपने अपने घर से सफ़र शुरू किया, आपको एक मील चलकर एक जगह पहुँचना है, वहाँ पर आपका दोस्त मौजूद है जिससे आपको काम है, तो रास्ते भर अगर आप सोचते रहेंगे कि वो काम करेगा नहीं करेगा, मखमूसे में रहेंगे, तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, आप ये सोचिए कि हाँ वो मिलेगा, हाँ वो मेरा काम करेगा। उसके बाद सोचिए कि मुमकिन है वो ना मिले, मुमकिन है वो मेरा काम ना करे। तो जब दोनों पहलू आप एक जैसा लेकर सोचेंगे, एक जैसा लेकर करेंगे, तो यकीन जानिए जब आप वहाँ पहुँचेंगे और वो आपका दोस्त अगर आपको मिलता है तो आपको अच्छा लगेगा। अगर वो दोस्त आपका आपका काम कर देता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वहाँ पहुँचने के बाद अगर वो दोस्त आपको आपको आपका काम करने से मना कर देता है तो ये आप पहले से तैयार हैं तो आपको बड़ा झटका नहीं लगेगा। तो ये मुस्बत सोच जो है ये आपको हर हाल में काम आएगी, आपको संभालेगी। और वही चीज़ अगर आप मनफी सोचते रहें और वहाँ पर जाने के बाद आपके मनफी सोच के हिसाब से आपकी बातें सामने आई तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो किसी भी मामले में हमेशा मुस्बत सोचिए। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ पर रास्ते भर डर रहता है कि पता नहीं मेरी पढ़ाई सही है गलत है, मैं पढ़ाई कर पाया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे टेंशन होते हैं जो पूरे निगेटिव होते हैं। तो आपको ये निगेटिव सोच से बचना है। आपने अगर इससे बचने की कोशिश नहीं की, आप नहीं बचे, तो यकीन जानिए आपके क्वेश्चन पेपर में जो सवाल है जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके जहन से उसका जवाब डिलीट हो चुका रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि तनाव जो है हमारे ऊपर बहुत गलत असर डालता है हमारे शख्सियत पर, हमारे सोचने समझने और हमारे तमाम बातों पर। तो ये तनाव की वजह से आपको उस वक्त सरासर नुकसान होगा, और जो नुकसान होगा तो यकीन मानिए, यकीन जानिए और मेरी बात हमेशा याद रखिए कि ये जो नुकसान होगा इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपने गलत सोचा। और आप सोचेंगे कि नहीं मैंने पढ़ाई की है, मैं सवालों के जवाब दे दूंगा, आपने अपने आप में दोहराया, आप साबित कदम रहे तो आप तनाव से बचेंगे, और जब आप तनाव से बचें तो आपका पेपर भी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। हमेशा ज़िंदगी में हर मामले में पॉजिटिव थॉट्स रखिए, और ये आपकी शख्सियत को संवार देगी, और आपका कोई भी काम जो है बिगड़ेगा नहीं, और अगर बिगड़ता है तो वो आपको ज़्यादा तनाव नहीं देगा। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको आगे ही आगे रखेगी, इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो है मकसद ज़िंदगी की तलाश। बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं हमसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से, कि सर ये करना है, सर वो करना है, सर ऐसा करना है, हमको ज़िंदगी में ये बनना है, ये इम्तिहान में जाना है, ऐसा करना है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो एक मतलब बात करके जाते हैं
फिर जब दोबारा बात होती है तो पता चलता है कि उनकी मंजिल बदल गई, उनका रास्ता बदल गया, उनका पूरा मतलब नज़र बदल गया, सब कुछ बदल गया। और जब हम वजह पूछते हैं तो वो वजह ऐसी होती है जो गलत होती है, मतलब के जो हकीकी वजह नहीं होती, बल्कि ये उनके अंदर का बेयकीनी का माहौल होता है और वो किसी एक बात पर कायम नहीं रहते, उसकी वजह होती है। और ऐसे लोग ज़्यादातर हमने देखा है इधर उधर भटकते हुए, कहीं भी फिट हो जाते हैं मगर वहाँ फिट नहीं होते जो उन्होंने अपनी इब्तदा में सोचा था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तलाश कीजिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप पहले उसके ऊपर पूरा सोच विचार कीजिए। और जब आप पूरा सोच विचार कर लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, लोगों से मशवरा कर लेंगे और आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस लाइन के लिए, इस सर्विस के लिए, इस बिजनेस के लिए फिट हैं, जब आप अच्छी तरह समझ लेंगे अपने माँ बाप की मदद से, अपने असातिज़ा की मदद से, जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर उसके ऊपर जम जाइए। मैं यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैंने बेशुमार बच्चों को ऐसी ऐसी लिंक दी है, ऐसी ऐसी रहनुमाई की है कि उनको सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं और उनको तमाम सब चीज़ें इंतहाई कम से कम खर्च में और फ्री जो है वो उनके मकाम पर मिल जाएगी और वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बोलने का मकसद ये है कि आप अपनी कोई भी मंजिल तय करेंगे तो उसके तक पहुंचने का रास्ता आपको ये कायनात मिलकर देगी अगर आपने अपनी तलाश में यकीन रखा और उसी के लिए चलते रहे, उसी के लिए कोशिश करते रहे, तो इंशाल्लाह ये पूरी कायनात आपके लिए एक बेहतरीन मददगार अंकुर के तौर पर काम करेगी। तो अपनी शख्सियत, आपकी शख्सियत की खूबी ये होना चाहिए फिर उसको पूरा करने के लिए लग जाएं। जब आप लग जाएंगे उसको पूरा करने के लिए, जब आप रास्ता तलाश करने लगेंगे तो यकीन जानिए कि रास्ते आपको मिलते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होती किसी भी मामले में अगर आपके अंदर सच्ची लगन हो और इसके कामत और हिम्मत हो। पांचवा पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है मुताला करना। मैंने पीछे जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग स्टडी करने में अपना पूरा वक्त लगा देते हैं, वो ज़िंदगी में सिर्फ वो पढ़ते हैं जो उनको इम्तिहान में जवाब देने में काम आए, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते वो। और ऐसे लोगों की तादाद का तनासुब बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि वो अपनी स्टडी में तो कामयाब हो सकते हैं, हो जाते हैं, मगर ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ना, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, कहानियों की किताबें पढ़ना और दूसरी चीज़ों का मुताला करते रहना आपको ज़िंदगी से करीब करता है और यकीन जानिए आपका इल्म भी बढ़ाता है और वो जो इल्म का बढ़ा हुआ अंसुर है वो आपकी स्टडी में काम आता है। यानी कि अखबारात का और दूसरी बातों का, किताबों का मुताला करना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं, मगर हम उसे अखबार किताबें पढ़ना, हमारे ज़्यादातर लोग उसको नुकसान की चीज़ समझकर अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखते हैं। और जब वो बच्चे आगे अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उनको ये तो मालूम पड़ता है कि वो मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर उनको ये भी मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में वो एकदम कोरे हैं। और ये जब मुताला करना है, पढ़ना है, अखबार और किताब का मुताला उनको ज़िंदगी से रूबरू कराता है और वो ज़िंदगी के हर महाज पर कामयाब हो सकते हैं। छठी चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो गुफ्तगू की महारतें हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके मुताल्लिक बातें हैं। पीछे मैंने बताया था बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू इतनी भयानक होती है, यानी बेकार होती है, उजड़पन से होती है या उसमें इतनी खामियां होती हैं कि उनके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप गुफ्तगू की महारतें हासिल करें।
कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंतहाई लाजमी है, इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपकी कामयाबी के चांसेस कम ही रहेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ ये कम्युनिकेशन स्किल में कमज़ोर होने की वजह से अपने मौके, अपने चांसेस खो देते हैं। तो आपको अपने अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, गुफ्तगु की महारतें जो है, इनका इजाफा करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब महफिल में मौजूद हैं तो आपको कब बोलना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जब महफिल में मौजूद हैं तो आपको कब नहीं बोलना है। आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि उसको किस तरह कन्विंस करना। मैंने एक फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि भैया हम तो व्यापारी हैं, जब बेचने पर आएंगे तो किसी गंजे के हाथ से भी कंघी बेच सकते हैं। तो ये कंघी किसी गंजे के हाथ से क्यों बेच सकने का दावा है, इसलिए कि उनके अंदर वो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल, कि वो वहाँ भी अपने फन का मुजाहरा कर देते हैं और अपना फ़ायदा उठा लेते हैं जहाँ उसके कोई चांसेस नहीं होते। तो अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, गुफ्तगु की महारतें जो हैं, ये पैदा कीजिए। ये किताबों में नहीं मिलेगी आपको, ये आपको ज़िंदगी में मिलेगी। मैंने कहा ना, पहले कहा था मैंने कि आपकी शख्सियत की तराश खराश जो है, उसकी तामीर जो है ये कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ये आपको अमली ज़िंदगी में मिलेगी। और आपको अमली ज़िंदगी में ही ये चीज़ें प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल करना होगी, जिसमें से एक अहम तरीन चीज़ ये इंटरपर्सनल स्किल्स, ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। अगला पॉइंट, आपके सामने आ रहा है आदाब-ए-ज़िंदगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटिकेट्स कहते हैं जिसको। आप खुद फैसला करें कि आपके अंदर एटिकेट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ये कहेगा कि उसके अंदर एटिकेट्स नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जंगलीपन होना चाहिए, उसके अंदर वहशीपन होना चाहिए, बल्कि हर कोई ये मानेगा कि उसके अंदर ज़िंदगी के आदाब होने चाहिए। किसी महफिल में जाए तो वहाँ पर रुकने बैठने के आदाब, लोगों से मुलाकात करें तो वहाँ के तमाम तर आदाब, और ज़िंदगी के हर मामले में दूसरों का ख्याल रखने में और तमाम तर रिश्तेदारियाँ निभाने में, दोस्तियाँ निभाने में, हर जगह उसके जो तकाजे हैं उस चीज़ के, वो हमारे अंदर होना चाहिए। और जब वो होंगे हमारे अंदर तो ही हम सही समझ सकेंगे कि हाँ भाई, हमारे अंदर वो खूबियाँ मौजूद हैं जो हमको ज़िंदगी में कामयाबी दिला सकती हैं। और एटिकेट्स जो होते हैं ये हमको तरक्की की तरफ ले जाते हैं। अगर हमारे अंदर एटिकेट्स नहीं हैं तो यकीन मानिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी माहिर हैं, अगर आपके अंदर एटिकेट्स नहीं हैं तो आप लोगों के लिए पसंदीदा नहीं हैं, आप लोगों की चॉइस नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए मजबूरी हैं। जब आप कोई और चांस नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको याद किया जाएगा, जब कोई और रास्ता नहीं रहेगा तो आपको याद किया जाएगा, वरना आपकी ना तो इस समाज को ज़रूरत होगी, ना आपको आपको ख़ानदान को ज़रूरत होगी। तो ये एटिकेट्स होना चाहिए हर रिश्ते के मामले में, हर ताल्लुक के मामले में, और ज़िंदगी के हर मामले में हमारे अंदर आदाब होना चाहिए, एटिकेट्स होना चाहिए। और यही आदाब जो हैं, यही एटिकेट्स हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। कैसे पैदा करना है ये आपको समझना है, और इसको समझने का रास्ता बहुत आसान है। आपको अपने ताल्लुकात में जो भी है उसमें शराफत का अंसर शामिल करना पड़ेगा, उसमें इज्जत का अंसर शामिल करना पड़ेगा, उसको समझदारी से आपको देखना पड़ेगा। जब आप समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो आपके रिश्ते भी बनेंगे, आप तहम्मुल का, बर्दाश्त का मादा पेश अपने आप में शामिल करेंगे तो वहाँ पर आपकी शख्सियत में संवार पैदा होगा, आपके अंदर एटिकेट्स आएंगे, और ये एटिकेट्स आपको हमेशा काम आएंगे इंशाल्लाह। प्लानिंग, मनसूबाबंदी भी हमारी शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप देखिए कि कोई आदमी प्लानिंग के बगैर कोई भी काम शुरू करता है और वो
प्लानिंग ना होने की वजह से नुकसान उठाता है, और अगर कामयाबी भी हासिल करता है तो उसको कामयाबी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मनसूबाबंदी ना होने से, प्लानिंग ना होने से आपका वक्त भी ज़ाया हो सकता है, आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है, आपकी एम्बिशंस भी हर्ट हो सकती हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी काम के लिए आप मनसूबाबंदी कीजिए, प्लानिंग कीजिए और अपनी शख्सियत में वो चीज़ पैदा कीजिए कि आप कोई भी काम प्लानिंग से करें। अगर आपको स्टडी करना है तो आप प्लानिंग कीजिए, आपको अच्छे नंबर हासिल करना है तो आप प्लानिंग कीजिए, आपको कहीं जाना है सैर के लिए जाना है, कहीं ट्रिप पर जाना है तो प्लानिंग कीजिए, आपको कोई भी काम करना है तो उसकी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का अमल अपनी शख्सियत का एक हिस्सा बना लीजिए तो यकीन जानिए आप हर मामले के हर पहलू की तरफ तवज्जो देने वाले बनेंगे, वरना आपने बगैर प्लानिंग के, बगैर मनसूबाबंदी के काम करने की आदत बनाई तो आपको हर मामले में नुकसान होगा। और आपको ऐसी बातों से बचना है और आपको अपने अंदर प्लानिंग की जो एबिलिटी है ये पैदा करना है। तनकीदी सोच, एनालिटिकल थिंकिंग, ये आपने इसके बारे में पिछले 2-3 दिनों में पढ़ा है कि आपके अंदर एनालिसिस करने की, आपके अंदर तनकीद करने की सलाहियत होना चाहिए। तनकीद करने की सलाहियत से आपकी तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अलामा हाली का एक शेर है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का एक शेर है कि हमला अपने पर भी एक बाद हजीमत है, जरूर रह गई है यही अब फतह व नसर की, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, बहरहाल उसका मफहूम यही है कि आपको कहीं अगर कुछ काम करना है, आप कहीं नाकाम होते हैं तो अपने आप के ऊपर हमला कीजिए, अपने आप को इंतहाई बेरहमी से, मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि अपने आप के ऊपर बेरहमी से गौर कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, आप कहाँ चूक गए। तो ये तनकीदी सोच अपने बारे में भी और ज़िंदगी के हर अमल के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी तनकीदी सोच रखिए, और ये तनकीदी सोच हमेशा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी और इससे आपको कहीं नुकसान नहीं पहुँचेगा। मगर तनकीदी सोच में लोग कभी कभी या आम तौर पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और उनके अंदर तनकीदी सोच इतनी हो जाती है कि वो हर मामले में लोगों को टोकते हैं, हर मामले में लोगों को शिकायत करना शुरू करते हैं और हर मामले में, जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि हर मामले में कीड़े निकालते हैं। तो किसी भी काम में कीड़ा निकालना अच्छी बात है, मगर जो आम लफ्ज़ है कीड़ा निकालना अच्छी बात है, मगर उसको पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपकी तनकीदी सोच पॉजिटिव होगी तो उसके भरपूर फायदे आपको मिलते रहेंगे। ये थी शख्सियत साजी से मुताल्लिक कुछ बातें जो हमने यहाँ पर गौर किया। ये बातें आपकी शख्सियत को काफ़ी बुलंदियों तक ले जाएगी। हमने बात की कि हमारे अंदर तनकीदी सोच होना चाहिए, हमने देखा कि तनकीदी सोच अगर सही रही तो वो हमको भरपूर फ़ायदा पहुँचा सकती है। हमने उससे पहले बात की थी कि हमारे अंदर प्लानिंग होना चाहिए, और यकीन जानिए जब प्लानिंग होगी तो हमारा हर काम बेहतरीन सिस्टमेटिक होगा। हमने उससे पहले बात की थी कि हमारे अंदर एटिकेट्स होना चाहिए, और ये एटिकेट्स जो है हमको पूरी ज़िंदगी जो है हर दिल अजीज़ रखते हैं और हमारा हर काम बेहतरीन अंदाज में होता है। हमने उससे पहले बात की थी कि हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हाई लेवल होना चाहिए, और जिन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल, गुफ्तगु की महारत में बेहतरीन होती है, कामयाबी उनके कदम चूमती है। उससे पहले हमने बात की थी स्टडी करने की, पढ़ते रहने की, रीडिंग की। तो जब आप रीडिंग करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर देखने और समझने के काबिल बनेंगे। उससे पहले हमने बात की थी कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तलाश कीजिए, एक मकसद तय कीजिए। जब आप एक ज़िंदगी का मकसद बना लेंगे तो फिर उसको हासिल करने की कोशिशें शुरू कीजिए और उसको, उन कोशिशों में साबित कदम रहिए, डटे रहिए।
उससे पहले हमने बात की थी कि हमारी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्बत सोच हमारे अंदर होना चाहिए, और ये मुस्बत सोच हमको बेशुमार तनाव से और बुरी बातों से बचाती है। उससे पहले हमने बात की थी कि अपने आप को दुनिया में मौजूद पाएं और समझें कि आप कुछ हैं। जब आप समझेंगे कि आप कुछ हैं तो यकीन जानिए आपको दुनिया हासिल करने में और दुनिया में एक अच्छा मकाम पाने में बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। उससे पहले हमने बात की थी अखलाकियात के बारे में, एथिक्स के बारे में, और आपके अखलाकियात बेहतरीन होने चाहिए ताकि आपके अखलाकियात बेहतर होना चाहिए ताकि आपको दुनिया में कहीं नाकामी का सामना नहीं करना पड़े और आपको जो बिला वजह तनाव होते रहते हैं आप उन चीज़ों से बचते रहें। तो ये थी कुछ बातें जो आपकी शख्सियत की तामीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए और यकीन जानिए कि आपने अपनी शख्सियत साजी की कोशिशें की और ये कोशिशें आपको खुद करना है। पढ़ना सब कुछ है, मालूम सब कुछ लेना है, समझना सब कुछ है और कोशिश करना है आपको, क्योंकि आपके वालदेन आपकी शख्सियत साजी की कोशिश कर सकते हैं, आपके असातिज़ा कोशिश कर सकते हैं, मगर करना है आपको, समझना है आपको, अमल करना है आपको। ये मुख्तलिफ बातें थी इस मौजू पर। मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ सवाल करना चाहें तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन के तौर पर इस टॉपिक पर जिस पर हमने आज बात की है उसके ऊपर क्वेश्चन करें, कमेंट करें, बात करें। आपका सबका माइक ऑन हो चुका है, सिर्फ वो लोग अपना माइक ऑन करें जिनको कुछ सवाल पूछना है या कुछ बोलना है। चलिए हम मुंतजिर हैं आपके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, नंबर 8 मंसूबा बंदी, हाँ इसका यूपीएससी में क्या किरदार है सर, किस हद तक का ये यानी अच्छी मंसूबा बंदी सर? हाँ, यूपीएससी की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में इसका सबसे अहम मकाम है। जी सर, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। आपको तमाम मौजूदात की, तमाम टॉपिक्स की, तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगी। और मंसूबा बंदी प्लानिंग के बगैर आप तैयारी अगर करेंगे तो यकीन जानिए कि आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आप जिसको 10% का टाइम देना चाहिए उसको 50% टाइम दे सकते हैं, जिसको 40% टाइम देना चाहिए आप उसको 5% टाइम दे सकते हैं। तो बगैर प्लानिंग के आप उसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। और प्लानिंग करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ का जायज़ा लेना पड़ता है। आपके प्लानिंग में जो भी चीज़ें शामिल हो उनके ऊपर आपको गौर करना पड़ता है, उनके लिए कितना वक्त देना है, उनके लिए कितनी मेहनत करना है, और तमाम बातें आपको, जैसे आपको ये भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं उसका स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी आपकी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तो प्लानिंग जो है उसका सबसे बड़ा रोल है, बल्कि उसका किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में प्लानिंग जो है सबसे पहला फैक्टर है। कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए। हाँ सवाल का मुंतजिर हूँ। चलिए फिर हम यहीं पर आज की बातें ख़त्म करते हैं। मैं एक इतला देना चाहता हूँ कि हमारे मुरब्बी व मोहसिन मोहतरम जमील कामिल साहब के भाई का इंतकाल हो गया है आज, तो वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में रहते हैं और हमारे लिए काफ़ी मुतहरिक भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनके भाई की मगफिरत फरमाए और उन्हें आला दर्जा से नवाजें, आमीन। चलिए अब आज अपनी बातें यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे।
और शख्सियत साजी के मौजू पर हम कुछ बातें और करेंगे और समझेंगे कि हमारी शख्सियत की तामीर में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और हमको अपनी शख्सियत की तामीर किस तरह करनी चाहिए। हम उन मौजूदात पर कल बात करेंगे। कल के बाद फिर हम शनिचर को फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और एक शनिचर को हमारा आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम आप यहीं पर आज विदा होते हैं। इंशाल्लाह कल 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मौका दिया। अल्लाह के शुक्र के साथ हम आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। उसके अलावा मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ जो फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।